देवराज आप पीछे हटिए। बालक तुम्हें अनुमान भी नहीं कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। अपना यह हट छोड़ दो और महाप्रभु को भीतर प्रवेश करने दो। मूर्ख बालक, सावधान बालक, अब मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। माता के आदेश का पालन करते हेतु मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि गणेश जी इतने साहसी और पराक्रमी थे। मैया, हाँ पुत्र, गणेश के पराक्रम और साहस के दो कारण थे। पहला कारण था कि वो निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे और उनका दूसरा कारण था कि माता पार्वती का आशीर्वाद उनके साथ था। हाँ मैया, जिस प्रकार साहस के साथ उन्होंने सबका सामना किया, कदाचित उन्हें परास्त करना असंभव था। हो ना हो, भगवान विष्णु और भोलेनाथ के मन में भी उस समय यही प्रश्न उठ रहा होगा। बालक, ये मेरी अंतिम चेतावनी है, अपने शस्त्र डाल दो और भोलेनाथ के मार्ग से हट जाओ, अन्यथा इस हट का परिणाम उचित नहीं होगा। ना ही मैं अपना शस्त्र डालूंगा, ना ही मैं अपने मार्ग से हटूंगा। मैं केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। ये बालक अपना अनर्थ करने पर क्यों तुला हुआ है? इसके साहस और पराक्रम का सामना करने के लिए स्वयं भोलेनाथ को धनुष अपने हाथों में उठाना पड़ रहा है। मेरे मार्ग से हट जाओ बालक। प्रभु, रुक जाइए। हे भोलेनाथ, ये कोई साधारण बालक नहीं। इसे परास्त करने के लिए केवल बल का प्रयोग करना पर्याप्त नहीं होगा, हमें कोई योजना बनानी होगी। सावधान बालक। नाथ ने गणेश जी का वध कर दिया मैया। हाँ लल्ला, सभी देवताओं ने मिलकर एक नन्हे से बालक का वध कर दिया जो मात्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। फिर क्या हुआ मैया? गणेश जी के वध के पश्चात
जब माता पार्वती अपना स्नान संपन्न करके बाहर आई तो अपने पुत्र की ये दुर्दशा देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। पुत्र, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? किसने मारा मेरे पुत्र को? आप सबका मौन मुझे स्पष्ट संकेत दे रहा है, कहीं आप सभी ने तो मेरे पुत्र की ये दशा नहीं की? हाँ, आप सभी ने मेरे पुत्र का वध किया है। मैंने उसे आदेश दिया था, वो बहुत तो सिर्फ अपने कर्म का पालन कर रहा था। हट इसने नहीं, हट आप सभी ने की है। आप सभी ने मेरे पुत्र का वध किया है। एक माँ को ऐसा दुख दिया है जिसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। और अब मेरे प्रतिशोध के लिए आप सब तैयार हो जाइए।